morning, namaste. I'm Dr. Talwar, and I yet again welcome you to our YouTube channel on IBF Academics. आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन के बारे में, जिसे कहते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स और RIF. अब तक जो भी हमने आपस में बात करा, और हमने ये जाना है कि IOI करने पे जो सक्सेस रेट आता है, that varies between 10-18%. And the success rate of an IVF cycle varies between 35-50%. तो हमने IOI कराया या IVF कराया, and that ends up in an abortion. जैसे पहले हमने बात करा, our test comes positive, ultrasound is positive, and we are so thrilled, we are so happy, the whole IVF team is happy, your parents are happy, and you have told your relatives, और लगता है कि हमारे पूरे सपने साकार हो गए हैं. परंतु कुछ समय के बाद ही यू हैव ब्लीडिंग या बच्चे का हार्ट बीट ही नहीं आता है, एंड दैट एंड्स अप इनटू एन अबॉर्शन और प्रेगनेंसी फेलियर. वी आर डिसहार्टेंड एंड देन वी डू एन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड वी स्टार्ट द होल साइकिल अगेन. इट्स अ साइकोलॉजिकल चैलेंज, इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन, बहुत खर्चा आता है इलाज के अंदर, और पूरे सपने टूटने का जो दर्द है ये आपसे बेहतर कौन जानता है. सो वी स्टार्ट अगेन विद एन IUI और एन IVF साइकिल, एंड येट अगेन वी गेट ए प्रेगनेंसी, एंड वी आर सो हैप्पी. लगता है कि सारा जो बुरा समय था अभी खत्म होने वाला है, और दोबारा से जो भी आपके ड्रीम्स से फुलफिल होने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्यू वीक्स अगेन वी ब्रेक द न्यूज टू यू दैट वी कांट सी द हार्ट बीट. अल्ट्रासाउंड हैज नॉट रिवील्ड that baby is growing, and that ends in an abortion again. You are traumatized, you are mentally broken. Financially, bhi bahut effect aata hai humare upar. The whole IVF team is also disheartened. And you change your doctor, thinking, okay, I'll try some other place. And you again undergo some sort of treatment. Aur is ilaaj ke baad, dobara se you get a pregnancy, and unfortunately, again it ends up into an abortion. And you are even more devastated. जब भी किसी दंपति का, एक कपल का, 2-3 abortion होता है, before 20 weeks period of gestation, it is called recurrent implantation failure. जब भी किसी कपल का ऐसा 3 abortion होता है, before the pregnancy reaches 20 weeks, we label them as recurrent abortions. Recurrent मतलब बार-बार से, and abortion means before 20 weeks. It is the most painful conditions for any couple and for the whole team of doctors who are treating you. जब भी किसी दंपति को recurrent abortions होता है, तो उसे क्या करना चाहिए? इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारे चैनल के थ्रू. अब तक हमने जाना कि recurrent abortions क्या होते हैं, अब हम जानना चाहेंगे कि क्यों होते हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा problem होता ही नहीं और कुछ के साथ ऐसा बार-बार होता रहता है. इसका जेनेसिस क्या है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है, इनको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे. जो पहला प्रॉब्लम जो हमारे जहन में आता है, दैट कैन बी ए क्रोमोसोमल प्रॉब्लम. जब आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो आपका DNA है, वो आपके पति या आपके पार्टनर के DNA के साथ किसी तरह से मैच नहीं कर पाता है, देयर कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द बेबी. बच्चों में क्रोमोसोम्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, या फिर मात्रा सेम रहती है परंतु जो क्रोमोसोम्स का जो कॉन्फिगरेशन है वो बदल जाता है. इन दैट केस द बेबी कैन हैव अबॉर्शंस. इट कॉमनली अकर्स व्हेन द पेरेंट्स आर हैविंग सम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स एंड व्हेन द बेबीज आर फॉर्म्ड दे आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द चिल्ड्रन. सो ये कॉमन कॉज है अबॉर्शंस का. दूसरा जो कॉज आता है, जिस कारण से ऐसा हो सकता है, वो है कॉमन मेडिकल कंडीशंस. थायराइड, अगर किसी लेडी के अंदर थायराइड की मात्रा 2.5 यूनिट से ज्यादा होती है, शी कैन हैव अबॉर्शंस, रेकरेंट अबॉर्शंस. अगर किसी दंपति के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम होती है, कुछ को डायबिटीज है या किसी और तरह का कुछ मेडिकल कंडीशन है, तब भी उनको बार बार से अबॉर्शंस हो सकते हैं. And they can end up into recurrent abortions. तीसरे जो कॉमन कारण हमारे सामने आते हैं, हमें आते हैं,
they are the uterine problems or the sperm problems. अगर स्पर्म के डीएनए में प्रॉब्लम होती है तब भी एबॉर्शंस होते हैं. किसी कारण से अगर गर्भाशय में कुछ परेशानी है, जैसे कि कुछ उसमें रसौली होना, फाइब्रॉइड होना, पॉलिप होना, या फिर गर्भाशय के अंदर कुछ एडिशंस होना, जैसे हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, या फिर किसी कारण से उसको टीबी रहा हो और टीबी के कारण से लाइनिंग खराब हो गई हो, तब भी इस दंपति को बार बार से एबॉर्शंस हो सकते हैं. कुछ हमारी पर्सनल हैबिट्स कैन लीड टू द प्रॉब्लम. कपल्स हु ड्रिंक, हु स्मोक, जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है. जिन दंपति की उम्र 48 साल से ज्यादा होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है. सब तक हमने ये जाना, जो कॉमन कंडीशंस है रिकरेंट एबॉर्शंस के, दे कैन बी द मेडिकल प्रॉब्लम्स, दे कैन बी द यूट्राइन प्रॉब्लम, यूट्रस में तकलीफ होना, गर्भाशय में तकलीफ होने पर भी ऐसा हो सकता है, बड़ी उम्र होना, या फिर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट होना क्रोमोसोम्स के अंदर, दे कैन ऑल लीड टू रिकरेंट एबॉर्शंस. कारण कुछ भी हो, पर जो दिल को चोट पहुंचती है, जो आपके दिल में दर्द होता है, उसका That is invaluable. So we have defined recurrent abortions. हमने जाना है ये क्या होती हैं. हमने ये जानने का कोशिश किया है कि क्यों होती हैं. अभी हम देखना चाहेंगे कि हम आपका इलाज कैसे कर सकते हैं. क्या तरीके हैं कि इन problems को हम पहले से पकड़ें, इनकी जांच करें और इनका treatment करें and we ensure that it doesn't happen in you again. तो सबसे पहले इलाज के अंदर हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप और आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर्स का जो वेट है, वेट एक कंट्रोल्ड मात्रा में रहना चाहिए. वी कॉल इट बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई. अगर आपका बीएमआई कंट्रोल्ड है और आपका थायराइड, डायबिटीज, विटामिन डी ये वैल्यूज कंट्रोल्ड है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, या करते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, अगर आप अधिकतर मात्रा के अंदर चाय या कॉफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आई एम वेरी श्योर आपके रिजल्ट में बेहतरी आएगी एंड यू कैन अवॉइड हैविंग रिकरेंट अबॉर्शंस इन केस यू ट्राई टू रिड्यूस दीज थिंग्स. अपनी उम्र के साथ लड़ना पॉसिबल नहीं है, पर ये जरूर है कि अगर हम अपना जीवन शैली को ठीक करेंगे और हम कम स्ट्रेस लेंगे और खुश रहेंगे, तो रिकरेंट अबॉर्शंस की जो मात्रा है वो कम हो सकती है. इसके बाद हम कुछ और जांचों की तरफ बढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है HSG और हिस्टोस्कोपी. 3D अल्ट्रासाउंड कैन बी डन. एक ये 3D मतलब होता है 3-dimensional अल्ट्रासाउंड. दिस वी रूटीनली डू ऑन डे 9, महीने के 9वें दिन. ये 10वें दिन हम ये टेस्ट को करते हैं और इससे हम जान पाते हैं कि यूट्रस के अंदर कुछ बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं है. वी कैन कैरी आउट द होल टेस्टिंग विद ए कैमरा which we call as hysteroscopy. This can be done and this will tell us whether the uterus has got any problem or not. So we can do an ultrasound or we can do an hysteroscopy and they are mandatory. Agar hum karenge to hum jaan payenge ki aapka uterus theek hai ki nahi hai. Agar koi hame garbhashay ki bimari hai, jaise ki tuberculosis aur koi lamba infection hai, to usko bhi hum treat kar sakte hain aur hame isse behtareen ilaaj ke andar success milti hai. Hum dampati ke andar उनका क्रोमोसोम्स का जांच एडवाइस करते हैं, विच वी कॉल एज पेरिफेरल कैरियोटाइपिंग. ये आप में और आपके पति में दोनों में ब्लड टेस्ट होता है और ये बताता है कि आपके क्रोमोसोम्स ठीक है कि नहीं है. क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, ये हम जान सकते हैं ये जांच करके. सो ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें अगर हम करें तो हमको ये मालूम चल सकता है कि आपको रिकरेंट अबॉर्शंस होने का कारण क्या है. जो सबसे कॉमन कंडीशन है इन सब में से, वी कॉल इट एप्ला सिंड्रोम. ये कॉमन टेस्ट है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, लूपस एंटीकॉगुलेंट. ये एक ऐसे टेस्ट है जो हमें बता सकते हैं कि आपका जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसा है. अगर आपका ब्लड क्लॉट करता है, हर ब्लड क्लॉट करेगा, पर अगर आपका जो खून है उसमें जमने की क्षमता ज्यादा है, तब भी आपको बार बार से एबॉर्शन हो सकते हैं
and these we can make out by doing a test called antiphospholipid antibody syndrome. तो ये सब जांचें हैं जो हम आप कर सकते हैं और हमें काफी आइडिया देती हैं कि आपके अंदर एबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं. तो अभी हमने जाना कि हमारे बार बार एबॉर्शंस होने के कारण क्या हैं, पर आप जानना चाहेंगे क्या इनका इलाज है. अगर मैं इन सबको ठीक कर लूं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा अगला एबॉर्शन नहीं होगा? डेफिनेटली यस. अगर आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे, अपना थायराइड कंट्रोल करेंगे, विटामिन डी कंट्रोल करेंगे, और अगर कुछ हार्मोन्स की और कमियां हैं शरीर के अंदर, अगर पीसीओडी है उसे हम ठीक कर पाते हैं, कुछ इलाज है जैसे डायबिटीज, टीबी, इनका हम इलाज कर पाते हैं, डेफिनेटली आई गारंटी यू दैट यू हैव मोर चांस ऑफ हैविंग ए हेल्दी बेबी व्हेन यू डू योर आईवीएफ और आईयूआई अगेन. अगर हमको ऐसा पता चलता है कि आपके अंदर एप्रा सिंड्रोम पॉजिटिव है, इन दैट केस वी कैन गिव यू एन इंजेक्शन ऑफ हेपरिन. ये टीका आपको रोज लगाया जाएगा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में या फिर आईओए के बाद में. दिस विल कंटिन्यू टिल लेट, टिल अराउंड 34 वीक्स एंड गिव यू ए गुड आउटकम आफ्टर द आफ्टर यू क्रॉस एज ऑफ 34 वीक्स फॉर योर बेबी. यू विल डेफिनेटली हैव ए गुड प्रेगनेंसी आउटकम. अगर हमें मालूम चलता है कि आपके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई रसौली है, कोई गांठ है या कुछ झिल्ली बनी हुई है बच्चेदानी के अंदर, तो उसको हम निकाल सकते हैं छोटा सा ऑपरेशन करके. इसे करने के बाद में भी हम ही देखते हैं कि आपका रिजल्ट्स दे बिकम बेटर डे बाय डे. क्या ये सब करने में सब कुछ ठीक हो जाता है? काफी केसेस के अंदर नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल विच यू हैव टू फाइट इज क्वाइटनिंग यू डाउन. मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट विच वी डू फॉर ऑल ऑफ यू इज कॉल्ड TLC और टेंडर लविंग केयर. आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको किसी भी तरह की आत्मगलानी में नहीं जीना है, आपको ग्रीफ में नहीं जीना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है. ये काफी कॉमन कंडीशन है जो कि बहुत दंपतियों में पाई जाती है. आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं इसके अंदर, बट वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग द सेम डिजीज. इसका इलाज है, हर इलाज शर्तियां नहीं होता, बट आई कैन गारंटी यू दैट इन केस यू गो टू ए गुड डॉक्टर दिस कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड. हर रोज एक नए केस के साथ शुरू करते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ देम ये जो जिंक्स है abortions का ये रुकता है and they go home with a healthy baby. We have treated couples with 7 abortions, 8 abortions, 9 abortions and many of them have conceived. तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी आशा है कि आपका भी बेबी ठीक से होगा, ये जिंक्स टूटेगा और आने वाले समय के अंदर आपके घर के अंदर किलकारियां गूंजेंगी. We are always available for you. You can always contact us. Call us anytime. In case you want to meet us, come to our clinic, we'll definitely help you. Thank you so much for logging in our channel and I'm sure that you'll benefit with our conversations. और आने वाले समय के अंदर अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो, आप हमसे बात कर सकते हैं. किसी और टॉपिक में बात करना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं. We are always for you 24/7. Thank you. धन्यवाद.